ये रास्ता देख रहे होंगे आप, एक्चुअली हम लोग शॉर्टकट रास्ते से आए हुए हैं। साइकिल चलाते हुए एक बंदा ऊपर आ रहा है। जयपुर सिटी ऑलमोस्ट 7 बजे का व्यू। व्यू देखिए आप एक बार। दोस्तों नमस्कार, समथिंग स्पेशल टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत है और हम नाहरगढ़ फोर्ट पे आ चुके हैं। इस बार आप देख सकते हैं सीधा हम लोग जो आ रहे हैं वो अभी मैंने आपको दिखाया था हवा महल, जो कि वहाँ पे आसपास था कहीं पे। बट अब हम लोग पहुँच रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट की ओर और मेरे साथ अंकित भी अभी यहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों इससे पहले की जो वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले की वीडियो हवा महल पर बनाई थी, तो आप वो ज़रूर देखें हवा महल की वीडियो। और नाहरगढ़ की जो चढ़ाई है दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताऊं, ये रास्ता देख रहे होंगे आप, एक्चुअली हम लोग शॉर्टकट रास्ते से आए हुए हैं और ये रही अपनी बाइक। अब इससे ऊपर और नहीं जा पाएंगे हम लोग, क्योंकि इतनी डायरेक्ट चढ़ाई है यहाँ पे, डायरेक्ट खड़ी चढ़ाई है एकदम। और फर्स्ट गियर पर ही मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट गियर पर इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मतलब यहाँ तक ही आ पाए। और अभी हमें वहाँ पर जाना है दोस्तों, देख सकते हैं वो है मेन जगह जहाँ पे हमें जाना है। देखो मैं जूम करके आपको दिखा सकता हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ से जो व्यू आपको दिखेगा वो देखते ही बनता है किस तरीके का व्यू। आप देख सकते हैं दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा एरिया, ये पूरा शहर आपको देखने को मिल रहा होगा, जयपुर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग शॉर्टकट रास्ते से आ रहे हैं अभी और आगे भी चलते हैं। और मैं पूरा कंटिन्यू रखूँगा कि जहाँ जहाँ पे अगर मुझे मौका मिलेगा वीडियो बनाने का, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम वीडियो नहीं बना सकते, थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, रिस्क होता है, तो इस वजह से मैं उस जगहों पर वीडियो नहीं बनाता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उन जगहों को दिखाया जा सके। और एक बार आप ये देखो ऊँचाई कितनी ज़्यादा ऊँचाई है। तो ये नाहरगढ़ फोर्ट है, हम ऊपर चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, ऊपर चलते हैं क्योंकि अभी 3 से 4 का वक्त होने वाला है, 3 से 4 बजने वाले हैं, और उससे पहले 6 बजे से पहले हमें नीचे आना होगा, क्योंकि वो ये जो किला है वो हो जाता है बंद। यहाँ की जो चढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और कई बाइक वालों को, जैसे कि आपने अभी देखा होगा, मैं आपको दिखाऊँगा एक दो अगर मिलेंगे तो, इतनी खड़ी चढ़ाई है कि हालत ख़राब हो सकती है। और हम लोगों ने अपनी जो बाइक है वो नीचे ही पार्क कर दी है। अभी देखिए कितनी ज़्यादा चढ़ाई बाकी है। अभी हम लोग पहुँचे कहाँ हैं एक्चुअली, अभी बहुत ऊपर जाना बाकी है और ऊपर से जो व्यू देखने लायक होगा वो होगा एक्चुअल व्यू। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ से आपको दिखा पाऊँ। दोस्तों कई लोग ऐसे मिले हैं अभी रास्ते में जो बैठे हुए, देखिए वो बैठे हुए रेस्ट कर रहे हैं। एक फिर से नई चढ़ाई, अब ये बहुत ऊपर है दोस्तों। पीछे की साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा जयपुर दिखने वाला है थोड़ी देर में। और हम लोग अब काफ़ी ऊपर तक पहुंच चुके हैं, देखिए लोग किस तरीके से आ रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए किस तरीके से लोग चला के आ रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखिए बाइक बहुत ही मुश्किल, एकदम खड़ा रास्ता है और किस तरीके से लोग आ रहे हैं ऊपर, एक बार आप देख सकते हैं। बहुत ही मुश्किल रास्ता है किसी भी बाइक के लिए यहाँ तक कि ऊपर आना। दो रास्ते हैं वैसे मैं आपको बताऊँ, एक पीछे से होके जाता है उधर साइड से, लेकिन वो काफ़ी 3-4 किलोमीटर आपको राउंड लेना होगा। इससे अच्छा हम लोगों ने शॉर्टकट सोचा, बट इतनी ऊपर तक का हम लोगों की बाइक नहीं आ सकती, इसलिए हम लोगों ने नीचे पार्क किया हुआ है वहाँ पर। और अब हम लोग लगभग यहाँ तक आ चुके हैं जहाँ से हमें पूरा सिटी, जयपुर सिटी दिखेगा। बट हम लोगों को और भी ऊपर यहाँ से जाना है, जब आप ये हैरान होंगे सुन के कि और भी ऊपर है इसके, देखिए काफ़ी ऊपर अभी हम लोगों को जाना है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप देख सकते हैं कितना ऊपर अभी हम लोगों को जाना है। समय 4 बज चुके हैं,
मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, नहरगढ़ किला जो कि आसमान की ऊंचाइयों पर बना हुआ है, जहाँ पे आप पूरा जयपुर देख सकते हैं। एक बार मैं आपको जयपुर के जो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं वो यहाँ से दिख रहे हैं, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कहाँ पे क्या बना हुआ है। लोग इतने एक्साइटेड रहते हैं ऊपर आने के लिए कि जो भी अपने साथ लेकर आए हैं वो लेकर के आते हैं, वाहन जो भी है, बाइक्स वगैरह। और देखिए कुछ लोग हैं जो कि नीचे जा रहे हैं और कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं। बट ये देखिए साइकिल चलाते हुए एक बंदा ऊपर आ रहा है, और मेहनत की दाद देनी होगी कि भाई साहब वहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक कि कोई साइकिल से ऊपर आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। चलिए इनसे मिल लेते हैं, अगर अपनी साइकिल रोकेंगे तो ज़रूर मिला जाएगा। तो ये भाई साहब आ चुके हैं साइकिल से। दोस्तों देखने में आसान लग रहा होगा बट बिल्कुल आसान नहीं है, साइकिल से ऊपर जाना बहुत मेहनत लग रही होगी। बढ़िया भाई, कीप इट अप। और अब हमें भी ऊपर चलना चाहिए, अभी और भी ऊपर है दोस्तों, जैसे कि ये देख रहे होंगे आप, किला देख रहे होंगे वहाँ पे, और ये भाई भी साइकिल चला करके ऊपर जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हम तो बाइक में नहीं आए जा रहे। और हाँ अपनी बताऊँ दोस्तों, तो हम लोगों को बाइक जो है ना वो ऊपर तक की नहीं आ पाएगी, इतना प्रेशर, क्योंकि हम दो लोग बैठे होंगे तो इतने ऊपर तक नहीं आ सकते। और अंकित बढ़िया मज़े आ रहे हैं, पार्किंग बहुत ज़्यादा है यार यहाँ पे, जयपुर की वादियों का हम लोग आनंद लेते हुए, लेकिन यहाँ पे ऊपर आना बहुत बड़ी बात है। और जिस हिसाब से यहाँ पे पार्किंग देखेंगे आप, कितनी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। तो अब हम लोग एंट्री के मतलब बिल्कुल एंट्री के हम लोग बिल्कुल नज़दीक हैं, अब हम लोग एंट्री करते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा, और बाकी आउटसाइड जो व्यू है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ से। तो चलिए अंदर चलते हैं, एक बार एंट्री लेते हैं और बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो दोस्तों ये है भीड़ यहाँ की जो एंट्री के टाइम पे लगती है। तो हम लोग एंट्री के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, और ये है दरवाज़ा नाहरगढ़ जो फोर्ट है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऊपर हाइट पे हैं, और यहाँ पे भी देखेंगे आप तो लोग ही लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कि इस अट्रैक्शन का मज़ा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, देखने के लिए आए हैं, कुछ लोग समझने के लिए आए हैं, और बहुत सारे विदेशी भी आप सैलानी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ऊपर जाकर देखते हैं, तो अब हम मौजूद हैं बहुत ही ज़्यादा हाइट पे, लगभग आसमान की ऊंचाइयों पे हैं, और यहाँ से आपको दिखेगा, और यहाँ पे मूवी की भी शूटिंग्स हुई हैं, काफ़ी सारी मूवी शूट हुई हैं, भीड़ यहाँ पे देखते ही बनती है। इतने ज़्यादा लोग ऊपर इस वक्त मौजूद हैं कि यहाँ से वीडियो बना के दिखा पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत ही मुश्किल काम है। एक बार आप देख लीजिए दोनों साइड जो यहाँ के चारों ओर से कितनी ज़्यादा भीड़ है, एक बार आप देखिए कि लोग यहाँ पे लगातार आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। व्यू देखिए आप एक बार,
सबसे ऊंचाई से एक बार नीचे दिखा, एक बार नीचे दिखाओ अंकित, कितनी ज्यादा हाइट पे अभी हम 900 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पे अभी हम इस वक्त मौजूद हैं। तो वो जो पहाड़ आप देख रहे हैं दोस्तों, एटलीस्ट 15 से 20 किलोमीटर दूरी पे होगा। बहुत ही ऐसा लग रहा है दोस्तों कि पास में है, बट बिल्कुल पास में नहीं है, बहुत ज्यादा दूरी है। इन तो जयपुर जो है चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अंकित भी साथ में है, क्या कहेगा भाई, इतनी ऊंचाई, बहुत ही फैबुलस व्यू लग रहा है यार, है ना? फैबुलस व्यू तो लग ही रहा है। और बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं इस वक्त। ऊपर की ऊपर देखेंगे अगर आप, बहुत ही हाईएस्ट ऊंचाई, देखिए बादल और वो उधर के पहाड़ भी आपको दिख रहे होंगे। बट मैं आपसे कहूँगा कि मैं आप यहाँ से ज़्यादा देर वीडियो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भीड़ लगने लगती है, क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पे रुक जाता है ना ज़्यादा देर तो भीड़ लग जाती है। इसलिए यहाँ पे ये जो लाइन है ये चलती रहनी चाहिए। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं चारों ओर लाइन से लोग जा रहे होंगे, देखिए पीछे की साइड में अगर आप देख पाएँ तो। सो गाइस चलते आगे की ओर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें ऊपर से देखने को मिलती हैं। दोस्तों शाम हो चली है और अब मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाता हूं। दोस्तों जल्दी आइए, मैं आपको दिखाता हूं। ये सबसे ऊंचाई पे एक रूम है और यहां से आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। पूरे शहर का नज़ारा आपको यहां से देखने को मिलेगा। तो ये खिड़की से आप पूरा का पूरा नज़ारा देख सकते हो। दोस्तों इसी तरह के खिड़कियाँ, दरवाजे और रूम पूरे के पूरे नहरगढ़ में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं जयपुर सिटी ऑलमोस्ट 7 बजे का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूं। और अब हम लोग कर चुके हैं एग्जिट, ये है वो नहरगढ़ फोर्ट जो कि अब नहीं दिख रहा है, रात हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा। तो 7 बजे का समय हो चुका है, अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। दोस्तों हम लोग दोपहर में जहाँ से निकले थे 3-4 बजे के करीब, अब वहीं आ चुके हैं। जैसे कि देख सकते हैं बाइक अपने यहाँ पे पार्क करके गए थे हम लोग, और अब हम करीबन ऐसी जगह पे आ चुके हैं। 7:30, 8 बजने का समय हो चुका है और अब हम लोग नीचे आए हैं पूरे ऊपर पहाड़ से होते हुए। देखने में बहुत बढ़िया अमेजिंग जगह है, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। दोस्तों मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप भी यहाँ पर विज़िट करें, और जयपुर जो ये पूरा सिटी है उसका लुफ्त आप यहां से उठा सकते, देख सकते। जिस तरीके से पुराने ज़माने में जो यहां के राजा महाराजा हुआ करते थे, वो पूरे के पूरे शहर पे अपनी निगरानी इस फोर्ट से रखते थे। यहां पे जिस तरीके की भी सुविधाएं अवेलेबल थी, तो यहीं से सारे इन्हें पता हो जाता था कि यहां कोई भी यहां पे अगर हलचल होती है पूरे शहर में तो यहां से वो निगरानी रख सकते हैं। तो अब हम लोग यहां से नीचे की ओर जाएंगे, जैसे कि आप रास्ता देख सकते हैं इधर से दिया हुआ है। मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में दे दूंगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर करें।